Welcome to SG Inceptions, your aquarium channel. I am at the World of Fish Aquarium Fish Exhibition located at Andheri West. आज के इस वीडियो में हम यूनिक फिश, अनकॉमन फिश कवर करने वाले हैं. सबसे पहले फिश हम बताने वाले हैं आपको, और हमारे साथ है एमार्ट के मैनेजर मिस्टर जयवंत. हाय जय. इस वीडियो में जय, हम जो है काफ़ी खूबसूरत अनकॉमन फिश कवर करने वाले. अनकॉमन इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि देखने को मिलती नहीं है जल्दी, काफ़ी कम देखने को मिलती है. सबसे पहले फिश आपके पीछे जो हम कवर करेंगे, लगभग 5 से 6 वैरायटी हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं. यूनिक फिश हम बोल सकते हैं, काफ़ी कम देखने को मिलती है या ना के बराबर देखने को मिलती है. और उसके ऊपर स्पीसीज तो अनकॉमन है ही, पर उनकी साइज़ भी काफ़ी कम देखने को मिलती है, बड़ी साइज़. सबसे पहले फिश आपके जो सामने है वो हम कवर करेंगे. सबसे पहले जो है क्या बताना चाहेंगे, काफ़ी खूबसूरत फिश है, काफ़ी मॉन्स्टर टाइप की फिश है. सबसे पहले क्या बोलेंगे आप? ये आबावा फिश है जी, और ये फिश इससे भी बहुत बड़ी होती है. है तो ये एग्रेसिव फिश जी, लगभग 3 से 4 फीट तक इसकी साइज हो जाती है. ओके. और इसका जो डॉर्सल फिन है जी जी, तो देखो आप मतलब कैसा मूव करता है. इसका पूरा स्विमिंग पैटर्न इसके डॉर्सल फिन के ऊपर डिपेंड्स है जी. और वैसे बहुत रेयर फिश जी, मतलब आज तक शायद बहुत ही कम इंट्रोड्यूस हुई है, और ये साइज में तो शायद ही कभी किसी ने देखी है. कितनी बड़ी साइज है अभी इसकी? अभी ये 2 फीट की है. 2 फीट की. ओके. मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, पर इतना मुझे पता है कि बहुत लोगों ने अपने इंडिया में तो बहुत लोगों ने ये फिश देखी नहीं रहेगी, इसलिए रखी तो रहेगी नहीं. तो इन्हें कैसा रखा जाता है? इनको अगर आपको रखना है तो मॉन्स्टर फिशेस के साथ आप रख सकते हैं, लेकिन ये फिश इतनी एग्रेसिव है कि मॉन्स्टर फिशेस में भी झगड़े हो सकते हैं. तो इसको अगर रखना है तो बड़ी टैंक है 6-7 फीट की, और उसमें अगर आप 3-4 वैरायटी के मॉन्स्टर फिश रख रहे हैं तो ये उनके साथ कंफर्टेबली रह सकती है. ओके. और फीडिंग वगैरह क्या खाती है? फीडिंग इसको लाइव फिशेस हम लोग खिलाते हैं, प्रॉन्स खिलाते हैं, और सिंकिंग पैलेट्स वगैरह आते हैं वो भी खिला देते हैं. ओके. और जैसे कि आपने बड़ा बहुत होती है बड़ी साइज़ में, और कितनी बड़ी साइज़ की होगी है? ये लगभग 4 फीट तक बढ़ती है. 4 फीट तक. ओके. और फिश टैंक मेट्स? वही मैंने बताया कि एग्रेसिव मॉन्स्टर फिश है, तो फिश टैंक मेट्स बहुत ही अनकॉमन है, जैसे पिकॉक बास बिग साइज के जी जी. या बिग साइज आरोना हो. ओके. उनके साथ रह सकती है, लेकिन वो भी अगर आपकी टैंक बहुत बड़ी है तो. ओके. तो ये थी सबसे पहली फिश, इसका नाम है आबावा फिश. ये है एग्रेसिव फिश वैरायटी जो सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं. इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट यूनिक फिश की तरफ. यहाँ पे सेकंड वैरायटी जो हम कवर कर रहे हैं, जय भाई क्या नाम है इस वैरायटी का? ये मार्बल नाइफ फिश है. मार्बल नाइफ फिश. नाइफ फिश में हमने काफ़ी सारी वैरायटीज देखी है, क्लाउन नाइफ फिश हो गया, और भी काफ़ी सारे हो गया, रॉयल नाइफ फिश हो गया, अल्बिनो नाइफ फिश हो गया, सिल्वर नाइफ फिश हो गया, ये सब देखने को मिलते हैं. पर मार्बल नाइफ फिश काफी अनकॉमन है, ये देखने को मिलती नहीं है. क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? मार्बल नाइफ फिश जो है ये अफ्रीकन रीड है. यहाँ पे जैसे ये वर्ल्ड ऑफ फिश जो है जी, इन्होंने यहाँ पे अवेलेबल करके दी है. ओके. और ये फिश जो है 2 फीट तक की है, अभी साइज जो है फिलहाल 2 फीट की है. 2 फीट की है. इसकी साइज लगभग हो जाती है 5 to 6 feet. ओके. और किसके साथ रह लेती है फिश? ये फिश आप अबाबा के साथ भी आप ये फिश को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, अरवाना के साथ डाल सकते हो, मॉन्स्टर फिशेस के साथ डाल सकते हो, जैसे कि पिकॉक बास, ऑस्कर, उनके साथ रख सकते हो. एग्रेसिव वैरायटी है ये? हाँ, एग्रेसिव वैरायटी है. ओके. फीडिंग में इसको लाइव लगता है खाना? फीडिंग में अगर लाइव दोगे तो ये हेल्दी रहेगी. ओके. बाकी जिंदा रखने के लिए तो आप नॉर्मल पैलेट्स वगैरह भी दे सकते हो. ओके. लेकिन अगर अच्छे क्वालिटी के पैलेट्स देते हो तो ये हेल्दी भी रहेगी. ओके. और बहुत बड़ी होती है, इसलिए टैंक साइज कितना मिनिमम रखना चाहिए इनके लिए? टैंक साइज आपको इसका मिनिमम 5 feet या 6 feet तक रखना चाहिए, जब तक ये बड़ी नहीं होती. एक बार वो बड़ी हो जाती है तो या तो आपको बड़ा पॉन्ड लगाना पड़ेगा, या तो आपको इसे नदी में या तालाब में छोड़ना पड़ेगा. ओके. ये थी सेकेंड फिश, मार्बल नाइफ फिश. अब बढ़ेंगे थर्ड वैरायटी की तरफ. आफ्टर द मार्बल नाइफ फिश वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट फिश वैरायटी, दैट इज द थर्ड फिश. यहाँ पे जय भाई कौन सी फिश है? ये लेपराडी बिचीर है. ये है लेपराडी बिचीर? बिचीर. ओके. बिचीर की बहुत सारी वैरायटी अपने पास है, उसमें से ये लेपराडी बिचीर सबसे बड़ी साइज की है. जय भाई मैंने बहुत सारी बिचीर देखी है, सब छोटी छोटी उंगली के साइज की होती है. हाथ के जितनी बड़ी की साइज कभी मैंने देखी नहीं थी. इतनी बड़ी साइज काफी कम देखने को मिलती है.
ये सब हॉबिस्ट के पास प्यार से बढ़ाए हुए फिश है जी, तो हॉबिस्ट लोगों ने ये हमें शो के लिए इंट्रोड्यूस करने के लिए दिए हुए हैं। ओके, वर्ल्ड ऑफ फिश के अंडर में। जी जी जी, ये फिश जो होती है जय भाई, बहुत लोग जो है रख नहीं पाते, उनको पता नहीं होता है कैसे रखना है इनको, फिश टैंक मेज गलत डाल देते हैं, क्योंकि बिचिर की भी एक अलग स्पीसीज होती है, हम बॉडी देख सकते हैं फिश की तरह नहीं है, स्नेक टाइप है इनकी बॉडी। इनको जो है कैसे रखते हैं, कैसे इनको फिश टैंक मेज रखा जाता है, कैसा खाना दिया जाता है, कैसा टैंक लगता है इनको, कैसा सेटअप लगता है इनको? टैंक मेट है वाइल्ड फिश है। ओके, जैसे क्या हम लोग वाइल्ड फिश जितने भी मॉन्स्टर फिश है उनके अभी ये वीडियो यूनिक बना रहे हैं। जी जी, तो ये जितने भी है इनके टैंक मेट्स वही वाइल्ड मतलब जो बिग साइज मॉन्स्टर फिशेस है। जी जी, वही है, जैसे ऑस्कर पकड़ो आप, पाकू पिराना है। ओके, या फिर आपका अबाबा है, आरवाना है, ये सब इनके टैंक मेट्स हो सकते हैं। ओके, और भी बड़ी होगी ये साइज में? हाँ, ये और भी बड़ी होती है साइज में, लगभग 3 फीट तक बढ़ती है। ओके, और एग्रेसिव भी है फीडिंग, इसको लाइव फिश या फिर सिंकिंग पैलेट्स दे सकते हैं। फीडिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। हाँ, फीडिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ओके, तो ये थी तीसरी फिश वराइटी, यूनिक फिश वराइटी, अनकॉमन फिश वराइटी, इनका नाम है बिचिर। अब बढ़ते आगे, अब हम कवर कर रहे हैं फोर्थ फिश की वैरायटी। यहाँ पे हम देख सकते हैं काफ़ी अनोखी फिश दिख रही है जय भाई, क्या नाम है इसका? यह अफ्रीकन अरवाना। ओके, एशियन अरवानास में हमने काफ़ी सारी टाइप सुनी है, अफ्रीकन अरवानास पहली बार सुन रहे हैं। ये देखो ना, ये अफ्रीकन अरवाना है, इसका फेस आप देखोगे तो आरापामा के जैसा है और इसका बैक साइड देखोगे तो एशियन अरवानास के जैसी है। ओके, और कितनी बड़ी है ये साइज में? ये भी 20 इंचेस की है, लगभग 3 फीट तक बढ़ती है। 3 फीट तक बढ़ेगी ये? ओके, एग्रेसिव होती है बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है। ओके, तो फिश टैंक मेट्स अगर क्या इनको अरवानास के साथ रख सकते हैं हम लोग? एशियन अरवानास के साथ आप इसको इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो अच्छा है, अगर करना भी है जी? तो छोटे साइज में आप इनको उनके साथ रखोगे। ओके, तो ये उनके साथ कंपेटेबली रह सकती है। ओके, और फीडिंग वगैरह कैसा लगता है इसको? फीडिंग इसे लाइव फीडिंग लगती है, पैलेट्स दे सकते हैं आप, प्रॉन्स वगैरह भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है लाइव फिश वगैरह ही देना पड़ेगा इनको? नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं है, प्रॉन्स वगैरह दे सकते हैं आप। ओके, और तो किसी को मुझे ऐसा लगता है मुझे कि बहुत लोगों ने एशियन अरवानास देखी रहेगी, अफ्रीकन अरवानास नहीं देखी रहेगी, तो इनको अगर रखते हैं तो इनको कैसे, छोटे से अगर रखेंगे तो टैंक साइज कितनी रखनी चाहिए और कैसे फिश टैंक में रखनी चाहिए? छोटे बेबीज जो आते हैं वो 3 इंच के आते हैं। जी जी, 3 इंच के साइज में आप रखोगे तो 2 फीट के टैंक में रख सकते हो। ओके, जैसे इनकी फास्ट ग्रोथ है वो ग्रोथ के हिसाब से आपको टैंक बढ़ाते जाने पड़ेंगे टैंक साइज। ओके, तो यहाँ पे हमने देखी चौथी अनोखी फिश की वैरायटी, इसका नाम है अफ्रीकन अरवाना फिश। अब हम कवर कर रहे हैं फिफ्थ फिश। सबसे पहले जय भाई, काफ़ी बड़ी साइज़ है इस फिश की, क्या नाम है? ये एलिगेटर गार है। एलिगेटर गार है, कितनी साइज़ है इसकी? ये अभी लगभग 2.5 से 3 फीट की है, एक इसमें 2.5 फीट की है, दूसरी जो बैठी है वो 3 फीट की है। ये नीचे वाली 3 फीट की है? हाँ। ओके, जय भाई इतनी बड़ी एलिगेटर गार रखना काफ़ी मुश्किल का काम होता है। मुश्किल भी है और काफ़ी रिस्की भी है। जी जी, आप देख सकते हो इसके दांत जी सेम लाइक एलिगेटर जी, और पॉइंटेड और बहुत सारे दांत है इसके मुंह में। एलिगेटर की तरह जबड़ा भी काफ़ी इसका लंबा है। हाँ, इसमें और एलिगेटर में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, इसकी साइज़ भी बहुत बड़ी होती है, लगभग 5 से 6 फीट तक बढ़ती है। ओके, बस एलिगेटर को पैर होते हैं इसको। जी जी जी, और जय भाई मॉन्स्टर फिश का जब भी जिक्र होता है ना तो एलिगेटर कार का उसमें नाम शामिल होता है। जी जी जी, मॉन्स्टर फिश कहा जाता है तो जाहिर सी बात है ये अग्रेसिव फिश होती है, तो बहुत से लोगों को ये फिश रखनी होती है जो मॉन्स्टर फिश लवर्स होती है, पर परेशानी फेस करते हैं वो लोग क्योंकि ये बड़ी भी होती है अग्रेसिव भी होती है, तो इनके लिए टैंक कैसा होना चाहिए और उसके साथ फिश कौन सी रखनी चाहिए हमें? देखो, मैंने जैसे इनके लिए जो टैंक रखा है 4x4 फीट का, जी जी जी, तो वही हिसाब से इनको एकदम घूमने आना चाहिए किसी भी टैंक में, ऐसा टैंक इनके लिए बनना चाहिए। ओके, रेक्टेंगल टैंक का टैंक में रख के ये उतने सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे जितने ये स्क्वायर टैंक में सेटिस्फाइड। ओके, और जय भाई अगर जगह कम मिल जाती है तो क्या ये फिश अग्रेसिव बन सकती है दूसरे फिश की तरफ?
हाँ, अगर उनको जगह कम मिलती है तो वो बहुत एग्रेसिव हो ही जाती है, क्योंकि हर बार की परेशानी उनको भी एग्रेसिव बना देती है जैसे आदमी को बनाती है। जी, क्योंकि आपने तो काफ़ी बड़ी स्पेस रखी है, क्योंकि इतनी 3 फीट की फिश होने तक भी उसको आराम से स्ट्रेट भी जा सकती है, साइडवेज पे भी जा सकती है, उसे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही है। कैसे है, ये हॉबिस्ट के फिश है। जी जी जी, प्यार से बढ़ाए हुए फिशेस है। जी 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 जी, तो इनको कोई तकलीफ ना हो इसकी पूरी हम लोगों ने ये ली। जी, क्योंकि कुछ कुछ लोग, बहुत लोग मतलब इन फिश को कम छोटे स्पेस के टाइम में रखते तो इनका जो बेली है वो मुड़ जाता है, गोल हो जाता है, जिसकी वजह से इनके स्पाइंस को प्रॉब्लम हो जाता है, बोन्स को प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये फिश और भी बड़ी होगी साइज में? हाँ, और भी बड़ी होती है ना, ये लगभग 5 से 6 फीट तक बढ़ती है। आखिरी सवाल, क्या खाना देना चाहिए इसको? मोस्ट ऑफ मैं सजेस्ट करूँगा इनको, आप अगर जैसे कोई भी तरह का मीट जी आप इनको खिलाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, ताकि इनका नेचुरल खाना भी वही है, ये फिश खाती है या एनिमल के पार्ट्स जो भी है। जी जी जी, वैसे ही खाते रहते जो नदी में बह के आते हैं। ओके, तो ये थी एलिगेटर गार, अब हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट फिश की तरफ। एलिगेटर गार के बाद अब हम देख रहे हैं काफ़ी कमाल की फिश। जय भाई, क्या नाम है इसका? ये स्टर्जन फिश है, ये चाइनीज फिश है। जय भाई, स्टर्जन के बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं है, बट मैं उनको बता दूं कि वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव कावियर स्टर्जन फिश से बनाई जाती है। yes. और क्या जानकारी देना चाहोगे आप स्टर्जन के बारे में? स्टर्जन जो है कोल्ड वाटर फिश है जी, और ये बहुत बड़ी होती है, लगभग 5 से 6 फीट तक बड़ी होती है। ओके, और जैसे आपने बताया कि इनके एग्स कवियस जी 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 जो सबसे महंगे आते हैं, बहुत महंगे आते हैं, और उसमें भी ये है जो गोल्डन स्टर्जन है। जी जी जी, नॉर्मल कॉमन स्टर्जन होती है ब्लैक कलर की, ग्रे कलर की होती है, बट गोल्डन स्टर्जन तो काफ़ी अनकॉमन है, काफ़ी कम देखने को मिलती है। अभी फ़िलहाल कितनी साइज़ है इसकी? अभी फ़िलहाल 2 फीट से ज़्यादा है, 2 फीट प्लस है। और काफ़ी बड़ी होती है ये साइज़ में? यस, 5 to 6 फीट बढ़ती है। 5 to 6 फीट बढ़ती है। एग्रेसिव होती है फिश? नहीं, ये अग्रेसिव नहीं होती है, बट छोटे फिशेज जो मुंह में जा सकते हैं उनको ये खा सकते हैं। तो इनके फिश टैंक मेट कैसे, बॉटम रखने चाहिए या ऊपर तैरने वाले सरफेस फिश? इनके फिश टैंक मेट्स आप सरफेस पे घूमने वाले रखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि okay. ये खुद बॉटम फीडर है और बॉटम स्विमर है। आखिरी सवाल, क्या फूड खाती है? इसको सिंकिंग पैलेट दे सकते हैं, ब्लड वर्म्स दे सकते हैं, या फिर कोई भी प्रॉन्स या ये दे सकते हैं। ठीक, इसके बाजू में नेक्स्ट फिश है जो हम देखेंगे। आफ्टर द स्टर्जन वी आर कवरिंग द नेक्स्ट फिश वैरायटी। जय भाई, इसका क्या नाम है? ये एशियाटिक फिश है, इसे चाइनीज हाइफिन शार्क भी कहते हैं। चाइनीज शार्क भी बोलते हैं इसको। ये फिश काफ़ी देखने को मिलती नहीं है, स्पेशली ये शार्क फिश की वैरायटी काफ़ी देखने को मिलती नहीं है। कैसी वैरायटी होती है, किसके साथ रहती है? एक्चुअली ये एकदम मतलब बाकी शार्क आपने देखे रहेंगे तो बहुत ही क्विक रहते हैं। जी जी। लेकिन ये जो चाइनीज हाइफिन शार्क है ये बहुत ही स्मूथली स्विम करते हैं और नॉन एग्रेसिव फिश है। okay. और ये साइज़ में आपको शायद ही कहीं देखने मिलेगा। जी जी। ये इसकी लगभग बढ़ती है ये अराउंड 1.5 फीट तक, और ये है अभी अराउंड 11 to 12 inches। इनकी डॉर्सल फिन तो काफ़ी बड़ी है, एकदम इरेक्ट है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल शार्क्स। क्या फीडिंग करती है ये शार्क्स? ये बेसिकली एल्गी खाती है, और इसको हम लोग जो वर्म्स रहते हैं जैसे मिट्टी में जो वर्म्स रहते हैं वो जी, भी जी। खाते हैं। ओके, तो हम लोग इसे खाना देते टाइम जैसे लाइव ब्लड वर्म्स या फिर कितनी मैक्सिमम साइज अटेंड कर लेती है फिश? अराउंड 18 इंचेस तक बढ़ती है। इनका बिहेवियर टाइप शार्क की तरह होता है? नहीं, ये टोटली नॉन एग्रेसिव है। कोई कोई शार्क जो होती है जी जी। वो थोड़ी बहुत एग्रेसिव भी होती है, लेकिन ये टोटली नॉन एग्रेसिव है। ओके, बॉटम फीडर है। जी जी। नेक्स्ट वैरायटी हम कवर कर रहे हैं। जय भाई, क्या नाम है इनका? काफ़ी अलग वैरायटी दिख रही है। ये अफ्रीकन वेलनोज फिश है। इसका फेस देखोगे तो देखो वेल की जैसा है। वेल के जैसा? हाँ, इसलिए इसको अफ्रीकन वेलनोज कहते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ ये फिश, कैसा बिहेवियर होता है इसका? नॉर्मल बिहेवियर है, आप देखोगे तो देखो कैटफिश के साथ रखा हुआ है हम लोगों ने। जी जी। तो इतना कुछ एग्रेसिव नहीं, सेमी एग्रेसिव बोल सकते हैं हम लोग? सेमी एग्रेसिव भी नहीं, जैसे ब्लैक गोस्ट का ये होता है। जी जी जी, सेम। ओके, और फीडिंग कैसा कर लेती है? फीडिंग जो भी सिंकिंग फीड होता है वो आप डाल सकते हैं। ओके, तो जय भाई, यूनिक फिश में ये भी फिश काफ़ी कम देखने को मिलती है, क्या नाम है इस फिश का? ये रेड स्नेकेड है।
ये रेड स्नेकेड है, रेड स्नेकेड है, हाँ, बहुत बड़ी होती है। इनकी बॉडी साइज बिचीर के तरह दिख रही है मुझको, पर बिचीर नहीं है राइट, ये स्नेकेड की एक अलग स्पीसीज होती है। ये स्नेकेड अलग स्पीसी होती है, बिचीर बहुत शांत होते हैं, स्नेकेड बहुत फास्ट एग्रेसिव होते हैं और क्विक होते हैं। ओके, क्या साइज है इनकी? इनकी 6 इंच की साइज है अभी। ओके, सो हियर इज अ विजिटर विद अस, हाय। हाय, सो कैन यू टेल अस योर नेम? या, मायसेल्फ साक्षी संजय जाधव, स्टडिंग इन फर्स्ट ईयर माइक्रोबायोलॉजी इन भवंस कॉलेज अंधेरी वेस्ट। सो कैन यू टेल अस योर पर्पस ऑफ विजिटिंग दिस एग्जीबिशन एंड आई नीड टू नो योर एक्सपीरियंस ऑफ दिस एग्जीबिशन, ओवर टू यू। कमिंग बैक टू फर्स्ट क्वेश्चन, लाइक what was the thing which told me that I should be here? The very answer is something which has a different geometrical shapes, different linings, different scales, different diversity, different colors and varied features is something what always excites me. So I was the first person when I got to know that it is a fish exhibition, I was the first person who was very eager, like I'm not that eager on my birthday too, but to visit this exhibition I was the most excited person to be here. Coming to second question, my experience what I get from here is today me being myself a student, today students are committing suicide just because they think that they have something inferior in them. But when I went around this exhibition, I saw that there are so many kinds of fishes, their varieties are different, each and every fish is different in its own way. So my message to my own generation is each and every individual is different in its own way. So there is no need to commit a suicide just because you are lagging a bit in academics. God has created you, God has given you some talents, there are some things in you which you can prove the world that you are right and you are important. So there is no need to commit suicides and there is no need to feel an inferiority complex within you. Okay, so what do you think do such or the exhibitions should be organized more in our cities? Today's generation has become very lethargic, they have become very reluctant with respect to environment and the pollution which is caused in the environment. So it is the duty of such people who are organizing the exhibitions to explain the people and the world that there is such a lot of diversity. The earth is not only made for humans and their own uses, it is also made for the diversity, it is also made for such a wonderful, innocent, beautiful creatures on this earth to live. So such exhibitions make the people and world aware that there are some other creatures and there are some other, you know, organisms who are meant to live on this earth. Okay, so you have watched all the fish tanks, right? Yeah. So which fish you think is the most attractive, or which fish attracted you the most? The fish which attracted me was Veranda goldfish. Okay. Just because, you know, like not because of its color, but the way it moved, the way it, you know, when I tapped on that tank, the way it gave a look, you know, I may be sounding wrong, that fish gave me a look, but the way it came towards me, that something impressed my mind. This also gave me a principle in life that if your appearance, if the way you react to people, if you, you know, the way you respond to people, the way you behave with people has the most impact on that person's mind who is talking to you. A fish can explain me such a big philosophical example was surprising for me to be here today, and that is the thing which amazed me the most. Okay, so you enjoyed this entire exhibition? Yeah, I enjoyed it a lot because I would like to say not because of their colors, but the way each fish reacted after me tapping on the tank, after, you know, it was written on every board that you should not tap on the tank, but still I did that out of my curiosity. But each and every fish had a different reaction, each and every fish, some of the fishes, you know, jumped out of the tank, which told me that not all the people are compatible to talk. Some people may have some, you know, some problems or some kind of things with you that they are not that comfortable and compatible to talk to you. So each and every fish related me to the chemistry of life. लास्ट क्वेश्चन, हमारे जो मुंबई में रहने वाले व्यूवर्स है yeah. देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उनको जो प्लान कर रहे हैं आने का, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे कि क्या उनको आना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्या आप बोलना चाहेंगे? ज़रूर उनको आना चाहिए, रादर देन मतलब ऐसे घर पे बैठे रहने से ज़्यादा अच्छा है कि वो हमारे दुनिया में इतनी सारी सुंदर चीज़ें हैं उनका मज़ा ले, घर पे बैठ के सिर्फ मोबाइल, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इससे थोड़ा अलग होके रियल वाली ज़िंदगी एक्सपीरियंस करें, बिकॉज वो सब एक हाइपोथेटिकल कंडीशन होता है, वो सब एक फेक दुनिया होती है जो क्रिएट की हुई है किसी इंसान ने ही, बट ये जो सब वो देखेंगे वो किसी भगवान ने क्रिएट करके उनको भेजा है, सो भगवान ने दी हुई देन इस दुनिया को लोग आके इंजॉय करें, यही मैं सबसे कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, यू हैव इंटरेक्टेड इन अ वेरी वेल वे। थैंक यू सो मच, नाइस इंटरेक्टिंग।